सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कुछ इस तरह का वीडियो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह का वीडियो क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, जिसका नाम है अलाइट मोशन। ये एप्लीकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप लोग इसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहाँ मैंने दो प्रीसेट का लिंक दिया है, पहला बीट मार्क प्रीसेट, दूसरा इफेक्ट प्रीसेट। दोनों को आपको अपने अलाइट मोशन एप्लीकेशन में इनपुट कर लेना है। इनपुट करने के बाद आपको अपने अलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन करके बीट मार्क वाले प्रीसेट को ओपन करना है। तो चलिए हम भी इसको ओपन कर लेते हैं। तो अलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपको अपने बीट मार्क वाले प्रीसेट को ओपन कर लेना है। बीट मार्क वाले प्रीसेट को ओपन करने के बाद आप यहां पे देख सकते हैं कि यहां पे आपका लगभग सारा काम कंप्लीट हो चुका है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको फोटो एडिट करना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले स्टार्टिंग पे आना है, फिर यहां पे आपको चार इमेज का लेयर मिलेगा, एक दो और तीन चार। चारों में आपको अपना अलग अलग फोटो एडिट कर लेना है। हम आपको बता दें कि इसमें आपको जितना भी फोटो एडिट करना है, सारी फोटो की साइज 9:16 होना चाहिए। अगर आपकी फोटो की साइज 9:16 नहीं है तो आपको उसको 9:16 साइज में क्रॉप कर लेना है। तो चलिए हम अपने फोटो को ऐड करते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले वाले लेयर को सिलेक्ट करना है, फिर आपको कलर एंड फिल पे क्लिक करना है। इसके बाद फिर आपको इस वाले आइकन पे क्लिक करना है और यहां से आपको अपना फोटो सिलेक्ट कर लेना है। फोटो सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ प्लस पे क्लिक कर लेना है। इसी तरह से आपको चारों लेयर में आपको अपना अलग अलग फोटो एड कर लेना है। तो चलिए हम इसको एड कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम अपने चारों लेयर में फोटो एड कर चुके हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे चार टेक्स्ट का लेयर मिलेगा, चारों टेक्स्ट में आपको अपना नेम एड कर लेना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, फिर आपको एडिट टेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको इसको यहाँ से रिमूव करके आपको अपना नेम एड कर लेना है। इसी तरह से आपको चारों टेक्स्ट को एडिट करके आपको अपना नेम एड कर लेना है। नेम एड करने के बाद फाइनली आपका वीडियो क्रिएट हो जाएगा। अगर आपको इसकी क्वालिटी को थोड़ा सा और इंक्रीज करना है तो सिंपली आपको बैक आना है और अपने इफेक्ट वाले प्रीसेट को ओपन करना है। इफेक्ट वाले प्रीसेट को ओपन करने के बाद आपको यहाँ चार लेयर देखने को मिलेगा, चारों को आपको सिलेक्ट करके कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद फिर आपको बैक आना है और अपने बीट मार्क वाले प्रीसेट को ओपन करना है। बीट मार्क वाले प्रीसेट को ओपन करने के बाद आपको यहाँ प्लस पे क्लिक करना है, फिर आपको पेस्ट फॉर लेयर पे क्लिक करके चारों को आपको यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। तो फाइनली हमारा वीडियो क्रिएट हो चुका। अगर आपको इसको सेव करना है तो सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ एक्सपोर्ट पर क्लिक कर लेना है। एक्सपोर्ट पर क्लिक करने के बाद हमारा वीडियो एक्सपोर्टिंग हो रहा है, हम कुछ देर वेट करते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा वीडियो एक्सपोर्टिंग हो चुका। अगर आपको इसको गैलरी में सेव करना है तो सिंपली आपको यहाँ सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है, आपका वीडियो गैलरी में सेव हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए।